ये पैकिंग तो हो रही है पर गुस्से में हो रही है। तो शाम से इस लड़की ने मतलब ऐसी नखरे करके बात करी मुझे भी ले जाना चाहिए था ना गाइस, आप व्लॉग में मिस करोगे ना मुझे, करोगे नहीं करोगे पता। तो तू भी तो यहाँ व्लॉगिंग करेगी, मैं तो नहीं जाती कहीं अकेले, ये क्या जाते हैं। मेरे लिए नाश्ता रेडी कर रही है लड़की, चाहे गुस्से में ही कर रही है, इसको कहते हैं पत्नी धर्म। इसके लिए दिव्या सैल्यूट है आपको यार। तो गाइस ये रहा मेरा दोस्त जिसकी मैं बात कर रहा था, इतना हरामी है ना, इसने अपने घर के आगे मेरे को आधा घंटा खड़ा रखा, इतना दो मिनट मेहंदी कहें तेरी, अभी अभी नहीं लगाया, मैंने कहा जब तक साले हरामी नहीं आएंगे तब तक नहीं लगवाऊंगा। और गाइस ये देख सकते हैं मैंने लगवा ली है अपने मेहंदी और इसमें लिखा है दोस्त की शादी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। और आज दिव्या कर रही है कपड़े पैक, कहीं जाने के लिए पैकिंग हो रही है बट बड़े गुस्से में कर रही है, नाराज है, गुस्सा है बहुत मेरे से, मेरी और उसकी लड़ाई हो रही है। दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे पैकिंग कर रही है, और मैं ये सब बोल रहा हूँ ना वो हंस भी नहीं रही, अभी भी गुस्सा है भाई, दिखाऊँ आपको, देखो दिव्या ये देखो गाइस। हेलो, अरे आ गई हंसी, आ गई इसको तो। हेलो, ये पैकिंग तो हो रही है पर गुस्से में हो रही है। हाँ जी, गुस्से वाली लड़की, अरे गुस्से में कैसे पैकिंग हो सकती है यार। ये देखो, गुस्से में इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो पैक हो रहे हैं ना वो सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं, इस वजह से लड़की गुस्सा है। तो शादी के बाद दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि मैं दिव्या को घर पर अकेले छोड़ के जा रहा हूँ, लड़की इसलिए गुस्सा हो ही पड़ी है मुझसे, देख भी नहीं। हेलो, क्या हुआ बताओ। इसीलिए कहते हैं कि जो बीवी होती है ना वो बेटर हाफ होती है, वो नहीं जा रही मेरे साथ फिर भी मेरी पैकिंग वो कर रही है, गुस्से गुस्से में ही कर रही है। भले इसने प्रेस भी पता है ऐसे करी, पता नहीं जलाना दी हो मेरे कुर्ते पर्ते। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड की शादी है कोटद्वार में ही, एक फ्रेंड की तो हुई थी अभी जब हमने आपको दिखाया था, और एक और फ्रेंड है, एक कॉलेज फ्रेंड है, उसकी शादी है कोटद्वार में। तो अब कॉलेज के दोस्त की शादी है तो हम कॉलेज की जा रहे हैं, इस वजह से मैं दिव्या को लेके नहीं जा रहा, और दिव्या इसी बात पर नाराज हुई पड़ी है। हाय दिव्या। हेलो, अरे हंस गई नाराज नहीं है ना। क्यों नहीं हो? क्यों नाराज? तो शाम से इस लड़की ने मतलब ऐसी नखरे करके बात करी, मुझे भी ले जाना चाहिए था ना गाइस, आप व्लॉग में मिस करोगे ना मुझे, करोगे नहीं करोगे पता। तो तू भी तो यहाँ व्लॉगिंग करेगी? मैं तो नहीं जाती कहीं अकेले, ये क्या जाते हैं। अरे मैं इसलिए, लड़कियां तो कहीं नहीं जाती ना अकेले बिना पति के, तो लड़कों को क्यों अलाउड है जाना, लड़कों को भी नहीं जाना चाहिए कहीं। तेरे कॉलेज की जब किसी कॉलेज तेरी, अच्छा, किसी वहाँ भी गए थे तुम, तेरी होगी ना नेक्स्ट में किसी कॉलेज फ्रेंड की शादी होगी, बचा नहीं तो मैं क्या करूँ, मेरे तो बचे हुए अभी दोस्त, अब मैं तेरे से 3-4 साल छोटा हूँ तो मेरी गलती है, अब मेरे दोस्तों की शादी हो रही है तो मेरी गलती है, तू मेरे से बड़ी है तो इसमें मेरी गलती है। पर कोई नहीं, गुस्सा है ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ वार्निंग दी है सिर्फ 3 दिन की, अगर तीसरे का चौथा दिन हुआ तो मैं बात ही नहीं करूंगा। अरे मैं आ जाऊंगा वैसे भी, कल मैं जाऊंगा, परसों हल्दी और वो है, और उसके अगले दिन शादी है, और शादी भी दिन की है तो इसलिए मैं उसी रात को, इसने तो बोला उसी रात को बैठ जाना, पर एक दिन का ये दे सकती है एक्स्ट्रा, है ना। नहीं नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं। तो गाइज आप मानोगे नहीं इसे कैसे मनाया मैंने, इसी मैं कोई मानी नहीं होगी, मतलब तेरी ये वाली शर्त तो मैं मानी है ना कि तीसरे चौथे दिन में यहाँ होना चाहिए, तो मैं यहाँ हूंगा, मैं कहीं तो मान गई है अब ये, और अब जब मैं आ जाऊंगा तब मान जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया मुझे निकलना है कोटद्वार, और कल जो है मैं डायरेक्ट कोटद्वार नहीं जा रहा, पहले मुझे जाना है देहरादून, वहाँ देहरादून में मेरा फ्रेंड मिलेगा असवाल, जो आपने पहले भी व्लॉग्स में देखा होगा, तो असवाल मुझे वहां से पिक करेगा, उस दिन हम शायद देहरादून ही रहेंगे या फिर उसी दिन निकलेंगे कोटद्वार, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं अभी। देहरादून पहुंच के ही पता लगेगा आपको, अभी मेरे कपड़ों की पैकिंग पूरी कर दी है दिव्या ने और कल निकलना है बस, तो ज्यादा कुछ कपड़े खास रखवाए नहीं, गर्मी भी है और दिन की शादी है, तो कोट पैंट पहनने का तो मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा, मतलब सूट पहनने का मैं सोच नहीं रहा, देख कुछ लाइट सा ही पहनूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ही व्लॉगिंग करूंगा, यहाँ पर दिव्या भी व्लॉगिंग करेगी, और दिव्या बताएगी कि मेरे बिना उसके दिन कैसे कट रहे हैं विलाप में, मीरा भाई की तरह कृष्ण जी को याद कर करके उसके दिन कटेंगे। ठीक है बाबू, क्या बाबू, आप भी आप भी व्लॉगिंग करना, ठीक है। हाँ मैं मेरा मन करेगा तभी करूंगी। तो दिव्या मुझे बता रही है कि कौन कौन से कपड़े मेरे पहनने वाले, इसमें है टी शर्ट और लोअर, ठीक है, कार्गो पैंट्स, ठीक है ठीक है, ये है शादी के, ठीक है,
शादी के लिए क्या पर्पल कुर्ता? हाँ जी कुर्ता पजामा, ये है हल्दी का, ठीक है, और ये टॉवल है नहाने के लिए, नहा लेना, ठीक है, ये टॉवल ऐसे ही सूखा वापस आ रहा है। अरे नहा लूंगा यार तू पागल, नहाने पे जरा। अच्छा दो बैग से अच्छा एक ही बैग ले जाओ फिर। ये हैं जो मेहंदी के हैं। क्या है मेहंदी के लिए? मेहंदी के लिए वो है शर्ट और पैंट, ठीक है ठीक है। मेहंदी के लिए ये जैसे ये वहाँ शॉर्ट्स काम आ जाएंगी, ठीक है, रात को पहनने के लिए, रात को पहनने के लिए। और ये उसके घर जा रहे हो जैसे फ्रेंड के घर, तो वहाँ के लिए पजामा, ठीक है। तो यहाँ दिव्या ने गुस्से में सारी पैकिंग करते हुए मुझे बता भी दिया है कि क्या क्या कब पहनना है, तो जैसा मेरी बीवी बोलेगी वैसे ही मैं पहनूंगा। और पैकिंग तो करी ली हमने, अभी सुबह मुझे निकलना है, 8:30 निकल जाऊंगा क्योंकि 10 बजे की मेरी बस है। मिलते हैं आपसे अब सुबह सीधा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं हो चुका हूँ रेडी। मेरी बस का टाइम है 10 बजे और मैं 8 बजे उठा था। 9 बजे तक मुझे किसी भी हालत में निकलना है क्योंकि कश्मीरी गेट से बस है और 1 घंटा लगेगा ही लगेगा, और अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो लेट ना हो जाऊँ इसलिए जल्दी से चलता हूँ पहले यहाँ से, और फिर मिलता हूँ आपसे। अभी नीचे जाके नाश्ता करता हूँ। और गाइस देख सकते हो गुस्से में ही सही दिव्या अपना कर्तव्य निभाते हुए मेरे लिए नाश्ता रेडी कर रही है लड़की, चाहे गुस्से में ही कर रही है। इसको कहते हैं पत्नी धर्म, और वो दिव्या ने बखूबी निभाया है भाई। इसके लिए दिव्या सैल्यूट है आपको यार। तो मैं जल्दी से खाता हूँ खाना और फिर निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लेट हो जाऊँ, बस छूट जाएगी। बस छूट गई तो वहाँ भी नहीं जा पाऊँगा और यहाँ घर पे भी नहीं आने देगी है, तो टाइम से निकलता हूँ और टाइम से पहुँचता हूँ। और ये देखो गाइस सुबह सुबह कौन मिलने आया है मुझसे, कह रहे चाचू बाय 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 चाचू, जल्दी जल्दी आ जाना, मैं अपने बाबू को जल्दी जल्दी देखने आऊंगा बाबू, बाय। तो गाइस एग्जैक्ट 10 बजे मैंने बस पकड़ी, और आवाज़ इतनी ज़्यादा बस में कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और 3 घंटे बाद बस रुक चुकी है यहाँ नावला रिजॉर्ट में, और तो कुछ खाने का मन कर नहीं रहा मेरा, सोच रहा हूँ सॉफ्टी खा लूँ, भैया से डलवा रहा हूँ एक ब्लैक करंट सॉफ्टी। तो अकेला सफ़र करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बोर हो रहा हूँ मैं भी दिव्या के बिना। आधे घंटे तक बस यहाँ रुकेगी, उसके बाद चलेंगे हम यहाँ से, और 3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे देहरादून। व्लॉगिंग करने का मन भी नहीं कर रहा पता है, अब पता चला बेटा दिव्या की अहमियत, मैं बोल रहा था ना उसको कि मेरी अहमियत पता चलेगी, उसकी अहमियत मुझे पता चल रही है, वाह। सो गाइस फाइनली देहरादून पहुँच चुका हूँ और ऑटो वाले भैया मिल गए मुझे। यहाँ से मैं वैभव के घर जाऊँगा, अपने फ्रेंड के यहाँ जाऊँगा, और थोड़ी देर में हम निकलेंगे कोटद्वार के लिए। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने दोस्त के घर, और ये रहा उसका पीछे घर, पर वो बाहर है, ताला लगा के गया हुआ है घर के बाहर, और मेरा बैग देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो कह रहा है 5 मिनट में घर पहुंचने वाला है वो, करते हैं उसका वेट, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके निकलेंगे कोटद्वार के लिए, बने रहे हमारे साथ। तो गाइस ये रहा मेरा दोस्त जिसकी मैं बात कर रहा था, इतना हरामी है ना, इसने अपने घर के आगे मेरे को आधा घंटा खड़ा रखा, इतना दो मिनट। और अभी हम आए मॉल में कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो ये कह रहा है कि इतने टाइम बाद मैं इससे मिलाऊं, तो ये मेरे को कुछ ले करा रहा है, मिलवाना चाहता है, तो जल्दी से शॉपिंग करता हूँ मैं इसके पैसों की, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये देखो ये है देहरादून का मॉल, और मॉल का नाम क्या है असवाल? एशियाज बिगेस्ट मॉल। अबे बता जल्दी, एशियाज बिगेस्ट पैसिफिक। ओके तो ये है पैसिफिक मॉल, ये देखिए दिल्ली जैसे मॉल्स तो नहीं है पर ठीक है, ठीक है, मतलब दिल्ली में जैसे दुकानें होती है ना वैसे तो है ही है। तो यहाँ पर हम करेंगे कुछ शॉपिंग और फिर कुछ खाएंगे पियेंगे, मैं सुबह से भूखा हूँ, और हम यहाँ आए हैं क्योंकि इसको एक ब्रश लेना है। तो दोस्तों मॉल से तो हम निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मेरे फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि वहीं पर बैग्स हैं हमारे, और बैग्स उठा के जल्दी से रखेंगे गाड़ी में और फिर जल्दी से निकलेंगे कोटद्वार के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और 3-3.5 घंटे हमें लगने ही लगने हैं, फिर बीच में हमें कुछ खाना भी है, और तो हमें शायद पहुँचते 11:30-11:12 भी बच सकते हैं। तो निकलते हैं अभी और फिर मिलते हैं आपसे। इसके घर गए थे, सामान सारा पैक करा पहले इसने, अभी पैकिंग करी इसने सुबह से, 5 मिनट में कर दिया था, कोई 5 मिनट नहीं लगे सुबह से, मतलब मैंने इसको कॉल करा हुआ है, मैं दिल्ली से यहाँ आ गया हूँ, इसका सामान पैक नहीं था, 1 घंटा लगा इसने पूरा सामान पैक करने में। अब हम 9 बजे यहाँ से निकल रहे हैं, 9 बजे निकलने का मतलब है कि हम पहुंचेंगे 12 बजे के करीब, तो चलो देखते हैं। हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं और हमें हरिद्वार पहुंचने में लगा है मात्र 1 घंटा, और यहाँ से भी मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का रास्ता और रह गया है,
अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है, हम सोच रहे हैं कहीं अच्छी जगह रुक के ढाबे पे नान दाल सब्जी कुछ खाएंगे। अभी एक घंटे तक तो बातें करते आए हम दोनों भाई, तो हमें भूख का पता नहीं चला, पर अब थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगी है, तो सोच रहे हैं कहीं रुक के खाना खाएंगे। तो जहां भी रुकेंगे आपको जरूर दिखाएंगे। तो यहाँ आपको अभी गंगा मैया तो दिख नहीं रही होगी, पर जय गंगा मैया। और ये हम महेंद्र सिंह धोनी के रेस्टोरेंट में आ गए, माही रेस्टोरेंट। तो दोस्तों हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, और अभी मैंने ना वेटर को सारा जो मतलब ऑर्डर है ना वो पंजाबी भाषा में दिया है। पंजाबी विच बोलिया, मैंने बोला मैनू कढ़ाई पनीर ते नान ते बटर रोटी ते पनीर भुजी बूंदी दा रायता दे दो। बोले, 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 बोले। और वो समझ भी गया सी तू, मतलब मैं साड़ी पंजाबी अच्छी हो गई। तेनू समझ आ रही बताओ, कमेंट करके दसो जरा मैं। कमेंट करके दसो अगर आप सब सारे लोगों ने मेरी पंजाबी समझ आ रही है तो। देखो आपको वोट जरूर करें पर आप। तेनू आ रही सी? 80 आ रही है। 80 आ रही है। लस्सी लस्सी बनाएगी? लस्सी नहीं आ रही सी जी, बूंदी का रायता आ रहा सी। ठीक सी, तो मैं तो इधर आके पंजाबी सीख गया पूरी। तो गाइस ये बाहर से तो अच्छा लग रहा था, महेंद्र सिंह धोनी का ढाबा माही ढाबा। अंदर से देखो ये वाली सब्जी हमने मंगवाई है, आज घरेलू खाना खा रहे हैं हम ढाबे में आके भी। तो ये कढ़ाई पनीर तय बूंदी का रायता, और अभी हमने नान मंगवाए हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और एक घंटे और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम बहुत मतलब 3 घंटे में पहुँच गए। और मैं दिखाता हूँ आपको, दूल्हे की मेहंदी हो रही है यहाँ, ये देखो सामने। आज मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, मेरे इस यार की शादी है, ओए ओए। तो गाइस ये है मेरा नवीन भाई जिसकी शादी में हम आए हैं, और देख सकते हैं कितना मस्त कुर्ता पहना है यार, मस्त लग रहा है, बिल्कुल मिथुन लग रहा है। आई एम अ डिस्को डांसर, मिथुन लग रहा है मेरे भाई। और भाई को बहुत बहुत मुबारक है, और भाई देखो कितना स्मार्ट लग रहा है मेरा भाई, और 28 साल की उम्र में हम इसकी शादी करवा रहे हैं। देखो जल्दी क्यों कर रहे इतनी, ठीक है यार, कोई ठीक है। तो चलते हैं अब। ये मेरे YouTube वाले दोस्त हैं। अच्छा, ये स्पेशली बंगाल से हैं, कलकत्ता। अच्छा आप भी कलकत्ता से आए हो? भालू भाजी इतना ही इसको आता है? नहीं, रसगुल्ला अभी खाता है। और मेरे पड़ोसी, ये पड़ोसी। हेलो हेलो, अरे ये जानते हैं। हाँ ये मेरी प्यारी सी बहन निशा, और ये देखो इसने लिखवाया कितना प्यारा सा भाई की शादी, थोड़ा सा इधर कर शादी, ये देखो भाई की शादी। और निशा की शादी में हम पिथौरागढ़ गए थे, बहुत एंजॉय किया था। और वो कहे ये रे, कैसे हो भाई? हेलो, अच्छा अच्छा, मेहंदी मेहंदी। तो ये देखो निशा के हस्बैंड, तो ये सब यहाँ आए, और मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा है, देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया सा डेकोरेट करा हुआ है इन्होंने। और भाई तो मेरा स्मार्ट लग रहा है। मेहंदी कहाँ तेरी? अभी नहीं लगाई, मेरा ही वेट कर रहा था। मैंने कहा जब तक साले हरामी नहीं आएंगे तब तक नहीं लगवाऊंगा। ये तो आ ही गया, मैं ले आया हरामी को। तेरी बात कर रहे हो। और गाइज ये देख सकते हैं मैंने लगवा ली है अपने मेहंदी, और इसमें लिखा है दोस्त की शादी। और मैंने असवाल को भी बोला लगा दे, तूने क्यों लगाई पे? यार मैं अभी कह रहा ना आगे लगाऊंगा। तो दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं अब होटल के लिए, और हम वहाँ पर आज सो जाएंगे क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, 1:15 बज चुके हैं। और मेहंदी अभी दूल्हे की मेहंदी लगनी अभी स्टार्ट हुई है, तो हम अब मिलेंगे आपसे कल। तो ये था हमारा आज का व्लॉग जिसमें मैं पहुंचा घर से कोटद्वार तक दोस्त की मेहंदी के लिए। देहरादून में गया, इसको भी लिया वहां से, अब पता नहीं इस गाड़ी में तो इसके आया हूँ पर मैंने इसको लिया देहरादून से, समझ नहीं आ रहा कुछ हुआ क्या। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।